हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 5th ऑफ मार्च 2024 और हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। देखते हैं आज दोस्तों दिन भर बैंक निफ्टी ने क्या मूवमेंट दिखलाया है, क्या क्या सेटअप बने थे दिन भर में, किस तरह से हमने ट्रेड प्लान किया, क्या क्या ट्रेड मैंने लिया, उन सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा दोस्तों, अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो काइंडली लेकर बैठें, क्योंकि जो भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा तो आप काइंडली उसे नोट डाउन कर सकते हैं। और हाँ, हो सके तो बड़े स्क्रीन में आप दोस्तों देखें, चाहे लैपटॉप पे देखो आप, चाहे आप कंप्यूटर पे देखो, क्योंकि जब मैं चार्ट एक्सप्लेन करूंगा ना दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि चार्ट छोटे मोबाइल पे अगर आप देखते हो तो कई बार चार्ट में उतनी क्लैरिटी नहीं होती है। बट ऐसा नहीं है कि मोबाइल में नहीं देखना है, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास मोबाइल ही है, तो जिनके पास अगर है लैपटॉप या कंप्यूटर तो देखें, और अगर वो बाहर हैं और घर में है लैपटॉप या कंप्यूटर तो बेटर है कि आप इस वीडियो को अभी आप लाइक कर लें और अपने वॉच लिस्ट पर रख लें और घर पर जाके इत्मीनान से देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है दोस्तों, ये देखिए पिछले दिन से बैंक निफ्टी ने 124.90, ठीक है, लगभग 125 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट बैंक निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अभी जरा मैं पहले तो आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो ये क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने, ये कितनी अच्छी क्लोजिंग हुई है और मार्केट अभी फिलहाल अप ट्रेंड में है। अगर आप देखें तो मार्केट जो है, मार्केट का जो मूवमेंट है आप देख रहे हैं, हायर लो बनता जा रहा है, हायर लो बनता जा रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम है दोस्तों, ठीक है। हायर लो अगर बनता जा रहा है तो आपको इतना पता होना चाहिए, जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है, अप ट्रेंड में होता है, तो नए नए हायर लो बनाता रहता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्केट नया नया हायर लो बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। प्लस क्या है, अभी हाल फिलहाल में देखिए ये जो मार्केट में जहाँ से फॉल आया था इस जगह से, यहाँ से जरा देखिए लोअर लो बना था, लोअर हाई बना था, लोअर लो, और इस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस मार्केट निकल गया है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कभी भी प्राइस अगर एक तो बड़े टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे हैं कि हायर लो बनता जा रहा है, सो मार्केट अप ट्रेंड में है, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज कि कभी भी अगर सपोर्ट से प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और प्रीवियस स्विंग अगर ब्रेकआउट कर गया तो मार्केट बुलिश होता है, ठीक है। सो मार्केट अभी जो है इसके ऊपर गया है तो मार्केट बुलिश है। अब तीसरी पॉइंट और आपको बता दूं कि मार्केट अभी इस जगह जहां से मार्केट में फॉल आया, इस जगह से आप देख पा रहे हैं, इसी जगह से मार्केट में फॉल आया था, ठीक है। तो अभी जब फॉल मतलब थोड़ा सा करेक्शन आया था तो ये बहुत अच्छा हो गया था। मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था तो मैंने बताया था कि हायर हाई बना, हायर लो बना, अब ये प्राइस ब्रेकआउट देगा तो एक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इंट्राडे में हो सकता है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव ना मिले, बट हाँ अब ये आप बहुत दूर नहीं है, आप बहुत जल्द 48,000 का लेवल जो है, ये मतलब कितना है मैं दिखा देता हूँ आपको, ये लेवल जरा देखिए, ये लगभग जो है 48,250 के आसपास है। तो ये बहुत जल्द आप ये लेवल देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। यहाँ से ऑलरेडी मार्केट एक बार दो बार सॉरी दो बार तीन बार ऑलरेडी 3 बार जो है मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है इसी जगह से, ठीक है, 3 बार मार्केट नीचे आ चुका है। सो इसका मतलब है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप नोट कर सकते हैं। 48,250 का जो लेवल है, आप इसे राउंड में 200 ही कर लीजिए, तो 48,200 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ऑलरेडी 3 बार मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका है। सो हम अभी जो भी प्लान करेंगे हम 48,200 तक का ही हम प्लान करेंगे, ठीक है, अभी हम इतने ऊपर तक का प्लान नहीं करेंगे क्योंकि 3 बार मार्केट नीचे आ चुका है। सो एनीवेज अभी हम देखते हैं इंट्राडे में मार्केट किस तरह से मूवमेंट दिखलाया और किस तरह सेटअप वगैरह बना था, उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते हैं। तो आइए हम लोग टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं एक बार से, ठीक है। सो ये टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट में मैंने क्यों शिफ्ट किया ये बताने की जरूरत तो खास नहीं है, बट फिर भी जो बिगनर हैं, जो फर्स्ट टाइम में वीडियो में आए हैं, उन्हें मैं बता दूं दोस्तों, जब आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हो ना तो डेली टाइम फ्रेम में तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में एक कैंडल 24 घंटे में एक ही कैंडल बनती है ना, तो एक कैंडल बना तो फिर हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो इंट्राडे में हमें कम से कम नंबर ऑफ कैंडल ज्यादा चाहिए तभी तो हम ट्रेड ले पाएंगे। तो इसलिए हमें 15 मिनट में, चाहे 5 मिनट में या 3 मिनट या 1 मिनट, वो टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और हम ट्रेड लेते हैं। तो मोस्टली क्या है, मैं जो प्रेफर करता हूं और मैं सबको सुझाव देता हूं कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो कम से कम 15 मिनट का जो लेवल है ना उस पर आप इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये जैसे लेवल है मैं आपको दिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह आप ड्रॉ कर लो अपसाइड में। लेवल्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये नीचे सपोर्ट हो गया, ये इसी को हम लोग लेवल कहते हैं, ये सपोर्ट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, ऊपर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता क्या है, सपोर्ट मतलब ये जो है डिमांड जोन है ना, सपोर्ट का मतलब दोस्तों डिमांड जोन, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सप्लाई जोन, क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया जो है, पूरा मार्केट जो है वो सप्लाई और डिमांड के बीच में चलता है। सो हर वक्त आपको ध्यान रखना है कि डिमांड जोन पर बाइंग आती है और सप्लाई जोन से सेलिंग आती है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सेलिंग, ठीक है, सेलिंग, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बाइंग,
तो इतनी क्लैरिटी तो आपको होगी कि सपोर्ट एरिया यानी कि डिमांड जोन पर हम लोग बाई करते हैं, और रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन कह लो, चाहे आप सेलिंग जोन कह लीजिए, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आती है। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, इसे मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, हाँ वरना क्या होगा ना, थोड़ी प्रॉब्लम होगी समझ। हाँ अभी ठीक है। तो 15 मिनट पे हमने क्या किया है, लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं। अब इसलिए मैंने लेवल बताया पहले मार्क करने के लिए, क्योंकि जब आप 200 ट्रेड लेते हो तो टाइम फ्रेम, थोड़ा चार्ट में बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा चार्ट में बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको दिखाई दे। 15 मिनट के लेवल पे अगर आप 200 लेवल अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास एक अच्छा खासा एरिया मिल जाता है ट्रेड प्लान करने के लिए। क्योंकि जब आप 5 मिनट में या फिर 3 मिनट में या 1 मिनट में जब कोई ट्रेड प्लान करते हो आप, तो आपके पास इंट्राडे के लिए एक अच्छा खासा पॉइंट रहता है। पॉइंट का मतलब जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये इंट्राडे में 15 मिनट का लेवल है ना दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो यहां से लेके यहां तक जरा देखिए लेवल कितना है, ये देख लीजिए, ये कितने का मार्केट है, लगभग 250, ठीक है, 250 पॉइंट का ये मार्केट है। तो ये जो मार्केट मतलब रेंज, ये जो रेंज है आप देख पा रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे जो रेंज बना हुआ है, इसी रेंज में मार्केट है ना। तो ये 250 का रेंज है, देख पा रहे हैं, लगभग 247.5, मतलब वही पकड़ लीजिए 250 पॉइंट। तो 250 पॉइंट का रेंज बना हुआ है मार्केट में। सो अब ये जो 250 पॉइंट, मैं इसे हटा देता हूँ, तो ये जो 250 पॉइंट का जो रेंज बना हुआ है मार्केट में दोस्तों, इसे थोड़ा सा, तो आपके पास एक स्कोप है कि हाँ मैं इंट्राडे में 250 पॉइंट के बीच में ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, या तो फिर इसका ब्रेकआउट अगर हो ऊपर की तरफ या ब्रेकडाउन हो, तो फिर मैं एक अच्छा खासा मूवमेंट में ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि मार्केट 2 तारीख से, लगभग आज हो गया 5 तारीख, 2-3 दिनों से मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। और ये जो रेंज है दोस्तों 250 पॉइंट का रेंज था। तो मैंने सुबह ही मैंने लिख के भेजा था टेलीग्राम ग्रुप में कि जो भी लोग ट्रेड लेने वाले हैं, तो इस चीज़ को लेके हर वक्त ध्यान रखेंगे कि मार्केट 2-3 दिनों से, आज तीसरा दिन है, 3 दिन से लगभग मार्केट एक रेंज में फंसा है। तो जिस साइड मार्केट ब्रेकआउट होगा, हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ था। तो जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं दोस्तों, जो फ्रेश, जो बिगनर हैं, जो इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, वहां पे टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, तुरंत आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्योंकि वहां पर मैं रेगुलर मार्केट आवर में इंपॉर्टेंट चार्ट वगैरह पोस्ट करता हूँ, और जो भी साइकोलॉजिकल पार्ट होता है, जो भी एक ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, वो मैं पोस्ट करता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 3 दिन में बैंक निफ्टी को लेके इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ, इवनिंग में रात को 9 से लेके 10 साढ़े 10 के बीच में मैं करता हूँ। सो आप अगर वहाँ चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ सिर्फ इंडेक्स की बात होती है। सो वहाँ पे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने ये देखे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था कि ये रेंज जो है 250 पॉइंट का रेंज है। तो ये रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट होगा, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, एक हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए एक कैंडल, ये कैंडल देख पा रहे हैं कितने पॉइंट का है, ऊपर ज़रा देखिए, यहाँ पर ज़रा देखिए, आप लोग इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे देखिए, ठीक है, मैं भी कैंडल के वहां रखता हूँ, ये जरा देखिए, देख रहे हैं, लगभग लगभग जो है 283 पॉइंट का कैंडल है, ये लगभग 283 पॉइंट का कैंडल है। तो जो भी अगर इस लेवल को अगर पहचान के रखते हैं, अगर आपको लेवल बनाना नहीं आता है, तो आप देख लीजिए हमारे पास, मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में, आप जाके देख लीजिए, हाउ टू ड्रॉ लेवल्स वगैरह मैंने डाला हुआ है। तो लेवल अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो क्या होगा कि लेवल का ही सिर्फ आपको वेट करना है, एक बार ब्रेकडाउन हो चाहे ब्रेकआउट हो, बस उस तरफ का हमें ट्रेड ले लेना है। तो आप सोचिए आराम से 200-250 पॉइंट आराम से कवर कर पाते हैं ना ऊपर की तरफ। और अगर आप ब्रेकआउट का वेट नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इस रेंज में ही ट्रेड करूं, तो हर वक्त ध्यान रखना है कि जब भी दोस्तों किसी रेंज में आप ट्रेड करते हो, अब ये रेंज 250 पॉइंट का रेंज था दोस्तों, ये रेंज है ना, तो हर वक्त आपको ध्यान देना है कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ गया, ये सप्लाई जोन है, ठीक है ना, ये सप्लाई जोन है, तो यहाँ से हमें सेलिंग ही हम प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ नीचे आया तो यहाँ से ये क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है, तो डिमांड जोन पे हम सिर्फ बाई प्लान करते हैं, यहाँ आप बाई करोगे, यहाँ तक आप प्लान करेंगे, यहाँ से सेलिंग। तो ऊपर गया प्राइस, रेजिस्टेंस के पास गया प्राइस, तो आप सेलिंग प्लान कीजिए, नीचे आया डिमांड जोन पे तो आप बाइंग प्लान कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ही आप इतना ही टारगेट प्लान कर सकते हैं, और या तो फिर रेंज ब्रेकआउट होता है तो फिर आप एक अच्छा मूवमेंट आप कैप्चर कीजिए, तो वेट कीजिए, ठीक है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, वो आप जरूर एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लें। क्योंकि 250 पॉइंट, 300 पॉइंट एक अचीवेबल है, आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी में अचीव कर सकते हैं 200-250 पॉइंट, लेकिन डेली बेसिस पे अगर डेली का कैंडल खोल के रखेंगे तो कैसे, एक कैंडल में ट्रेड तो होगा नहीं। सो इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम 15 मिनट का चार्ट ओपन करें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करें, और 5 मिनट पे या 3 मिनट पे या फिर 1 मिनट पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें,
ठीक है। अभी मैं इसे रिमूव कर देता हूं। अब मैं दिखाता हूं जो हमने ट्रेड लिया था वो किस तरह से हमने प्लान किया था, तो एक बार मैं इसे रिमूव करके दिखाता हूं। ये जरा देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दिखा देता हूं। ये जरा देखिए, मैंने सुबह ही पोस्ट किया था ये। हाँ, ये जरा देखिए, सुबह सुबह मैंने ये पोस्ट किया था कि ये जो रेंज, ये देख पा रहे हैं, मैंने टेलीग्राम में ये भेजा हुआ था, ठीक है। सुबह मैंने देखिए 10, यहाँ पे नीचे की तरफ आप ध्यान दें, इस तरफ 10:26 पे मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम ग्रुप में कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, और आज तीसरा दिन है तो हमें ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने लिख के भेजा था, इसके जस्ट नीचे मैंने लिख के भेजा था, देखिए, टुडे इज द थर्ड डे एंड द मार्केट इज मूविंग विद इन अ रेंज ऑफ 250 पॉइंट्स। प्लीज पे अटेंशन टू द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज बिकॉज वी मे विटनेस अ सिग्निफिकेंट मूव अपॉन ब्रेकआउट, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो एक हम अच्छा खासा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने लिख के भेजा था, तो आप लोग वेट कर सकते हैं इस रेंज के ब्रेकआउट का। उसके बाद मैंने ये देखिए पोस्ट किया था। ये बेसिकली मैं इसलिए पोस्ट करता रहता हूँ ड्यूरिंग मार्केट आर में ताकि जो बिगनर्स हैं वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए सहूलियत हो जाए। तो ये मैंने उसी टाइम में पोस्ट किया था इस तरह से लेवल बना के कि मार्केट जब इस तरह से रेंज में रहता है, रेंज को किस तरह से ड्रॉ करना है मैंने वो बताया था कि कम से कम हमें दो स्विंग हाई चाहिए, दो स्विंग लो चाहिए। अगर ये हमें मिल गया तो हम इसे क्या है, दो स्विंग हाई को मिला के एक लाइन आगे ड्रॉ करते हैं और दो स्विंग लो मिला के आगे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि मार्केट एक रेंज में है। सो क्या होता है कि जब भी प्राइस इस रेंज में मूव करता है, प्राइस अगर नीचे की तरफ आया तो हम प्लान कर सकते हैं यहाँ से, अगर बाइंग मूवमेंट कुछ आया तो बाई प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ से सेलिंग का प्लान करेंगे तो यहाँ तक का हम प्लान कर सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। यहाँ अगर बाई करते हैं तो यहाँ तक हम लोग अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है तो हम यहाँ तक का कोई प्लान नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है एक रेंज में है, ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो हो सकता है प्राइस यहीं से आके प्राइस नीचे आ जाए, यहीं से प्राइस आके नीचे आ जाए, यहाँ से प्राइस ऊपर चल जाए। सो ये मैंने लिख के भेजा था कि देखिए, एज आई हैव इन्फॉर्म्ड यू टू ड्रॉ रेंज दैट इज टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वी नीड टू स्विंग हाई एंड टू स्विंग लोज, वी हैव आइडेंटिफाइड दो स्विंग हाईज एंड लोज। ये देखिए हमने दो स्विंग हाई दो स्विंग लो आइडेंटिफाई किया, तो इस तरह से हम लोग मार्क करते हैं। एंड वी हैव ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया था। दिस मीन्स दैट द मार्केट इज इन अ रेंज बाउंड कंडीशन, इसका मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड कंडीशन में है। इन सच अ सिनेरियो वी शुड ओनली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी नियर सपोर्ट एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज नियर रेजिस्टेंस। ये मैंने लिख के यही भेजा था कि इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जब सपोर्ट के पास प्राइस आए तो हमें सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट का मतलब दोस्तों डिमांड जोन है और डिमांड पर हम लोग बाई करते हैं, और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सप्लाई जोन है, मतलब हम सेल करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास जाए तो आप सेल प्लान कीजिए, डिमांड जोन पर आए तो आप बाई प्लान कीजिए। ये मैंने लिख के पोस्ट किया था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद मैंने ये चार्ट भेजने के बाद, दिस वॉज माई ट्रेड, ठीक है, ये मैंने ट्रेड लिया था। और जरा देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, जब मैंने ये ट्रेड लिया था तो रीजन क्या था वो पहले आपको दिखाता हूँ। ये जरा देखिए, प्राइस एक तो रेंज में था, ये देख पा रहे हैं 250 पॉइंट का रेंज था, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार रेंज में भी, क्योंकि 250 पॉइंट एक अच्छा खासा रेंज बनता है दोस्तों, ठीक है, एक अच्छा खासा रेंज है। तो 250 रेंज में अगर एक छोटे टाइम फ्रेम में आप देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था। अब देख पा रहे हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल दोस्तों ऐसे ही बनता है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो और सपोर्ट बार बार सेम रहे, मतलब प्राइस सेम जगह सपोर्ट ले, तो इसे हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो अब आपको वेट करना है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल चाहे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे चाहे ऊपर की तरफ, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आप बाई करो, आप यहां तक का प्लान कीजिए, और नीचे टूटेगा तो ये तो रेंज का ही ब्रेकआउट हो जाएगा, तो एक हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो क्या हुआ जरा देखिए, जब मैंने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने इसे स्विच किया था तो मुझे दो चीजें दिखाई दी, एक तो डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, एट द सेम टाइम जरा देखिए ये एक लेफ्ट शोल्डर ये हेड बना था और ये राइट शोल्डर। तो मैंने यही लिख के भेजा था कि एक लेफ्ट हैंड एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, थोड़ा इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि ये बुलिश पैटर्न है, ये अपसाइड की तरफ मार्केट जाता है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, यानी कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ बाई किया, क्योंकि एक तो प्राइस एक्शन भी जरा देखिए गौर से, ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, लोअर लो बना, सेम हाई लोअर हाई बना, हायर लो बना, ब्रेकआउट हुआ। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस तरह से फॉर्मेशन करता हुआ जाता है। तो जब प्राइस इससे लोअर लो बन जाए, उसके बाद सेम हाई बन जाए, फिर हायर लो बन जाए, हायर लो बन जाए मतलब कि लो को ना, पिछले लो को ना तोड़ पाए, तो इसके बाद जैसे ही इसके ऊपर निकलता है हम बाई प्लान करते हैं दोस्तों। तो वही मैंने यहाँ पे प्लान किया, आप देखेंगे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटा मैंने यहाँ बाई किया। अब हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना है, मैंने यहाँ बाई किया और ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसके पास मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था।
तो मैं हर वक्त अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स को कहता हूं कि दोस्तों एक बार अगर आपने प्लान कर लिया दोस्तों ट्रेड में एंट्री ले लिया आपने, तो 1:2 आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। जब तक आपका टारगेट दोस्तों नहीं आता है, आप बीच में टारगेट बुक नहीं करेंगे, बीच में आप एग्जिट भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो जरा देखिए, प्राइस ऊपर गया, यहीं से प्राइस फिर नीचे आया, फिर यहां से प्राइस आया और यहीं से सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर गया अगेन। जरा देखिए, 2-3 रुपए ही रह गया था। तो ये आपको ना बिल्ड करना पड़ेगा, ये कैरेक्टर है दोस्तों, ये बिल्ड करना पड़ेगा। कई बार हम ना जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ये हैबिट बहुत खराब है। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये जब भी इस तरह से प्राइस यहाँ आया तो ये टच करे, आपका टारगेट टच करे, तभी बुक कीजिए, नहीं करे तो वेट कीजिए। ये देखिए फिर प्राइस नीचे आया और फिर प्राइस जाके मेरा टारगेट दिया, तो 1:2 मुझे अचीव करने में थोड़ा टाइम लगा। अब इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग मार्केट आर, आप अपना PNL देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस मत देखिए, वो तो एंड रिजल्ट है। जो भी आपका जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा ही, आइदर आपका टारगेट बड़ा होगा, छोटा होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, कुछ ना कुछ एक रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट की परवाह बिल्कुल ना किए बगैर आप बस अपने प्रोसेस को डिसिप्लिन ट्रेडर बन के आप बस फॉलो करें। एक बार आप एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर अगर आप प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर लिए ना, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है दोस्तों, फिर लाइफ लॉन्ग आपको एक अच्छी अर्निंग करा के दे सकता है मार्केट। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि हाँ, आपको एक बार अगर आपको सेटअप दिखाई दिया, बस आपको एंट्री लेनी है और आपको पता है ऊपर का रेंज ये है, नीचे का रेंज ये है, तो अभी ब्रेकआउट हो रहा है तो आप यहां तक प्लान कर सकते थे। बट एनीवेज 1:2 मुझे मिला, मैं निकल गया, ठीक है? उसके बाद ही मार्केट में एक अच्छा खासा फिर मूवमेंट आया, अच्छा खासा मूवमेंट आया। बट ये मुझे यहाँ पे मिल गया लगभग 125 पॉइंट मिल गया, ठीक है, नॉट बैड। इंट्राडे में अगर आपको 125 पॉइंट अगर मिल जाता है तो बुरा नहीं है। आप मल्टीप्लाई कर ले दोस्तों, जो भी आप ट्रेड लेते हैं, अगर आप 100 क्वांटिटी से भी अगर प्लान करते हैं, चाहे 200 क्वांटिटी से प्लान करते हैं, 200 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड लेते हैं, अगर 100 पॉइंट मिल गया दोस्तों, तो आपका लगभग 20,000 का प्रॉफिट हो गया एक दिन में, तो ये बुरा नहीं है दोस्तों, ठीक है? सो अभी जरा दिखाता हूँ, मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का, कि इस तरह से जब भी प्लान आप करेंगे तो देखिएगा कि हाँ, ये जरा देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, जो नीचे की तरफ बार बार सपोर्ट ले रहा था, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, ठीक है? सो जब मार्केट दोस्तों यहां पर मैंने देखा, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको पहले 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये दिखा देता हूँ जब मैंने ट्रेड लिया था तो क्यों लिया था। ये जरा देखिए, 5 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम इस तरह का था, ठीक है? अब मैंने ये नोटिस किया था कि मार्केट, सॉरी, 3 मिनट का टाइम फ्रेम था जिस तरफ, हाँ ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम था, ये मैंने नोटिस किया था जब प्राइस एक रेंज में था। ये जरा देखिए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको दिखाई दे रहा है, प्राइस एक रेंज में था, ऊपर की तरफ रेंज में था, नीचे की तरफ एक रेंज में मार्केट बंधा हुआ था। सो अब जब मार्केट यहाँ आज ओपन हुआ, मार्केट नीचे इसी जगह पिछले दिन का जो लो था वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, आज सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा था दोस्तों, लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा था। तो जरा इस जगह को देखिए, ये जो प्रीवियस स्विंग ये जो था, ये जरा देख पा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जहां से प्राइस ने सपोर्ट लेके फिर दोबारा आके प्राइस सपोर्ट लिया। तो जैसे ही प्राइस सपोर्ट लिया, मैंने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे दिखाई देता है डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मुझे दिखाई देता है कि मार्केट में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देता है। ये जरा देखिए, ये जैसे ही मैंने ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मैंने मार्क किया और ऊपर से जब स्विंग हाई को मैं टच करके आगे बढ़ाया प्राइस को, तो मैंने देखा मार्केट में एक इस तरह से मार्केट में फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। जरा देखिए एक बार, मैं इसे ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे करके मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है? हाँ, तो जरा देखिए, ये नीचे सपोर्ट बन गया था, सपोर्ट बन गया था, मतलब कि अब डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर में ही, डिसेंडिंग ट्रायंगल के, एक्सक्यूज मी दोस्तों, डिसेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्मेशन के अंदर में ही हमें एक बना हुआ मिला लेफ्ट शोल्डर, फिर ये मिला हेड एंड देन राइट शोल्डर। तो जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहां पर बाई किया और 1:2 मेरा जो प्लान था मुझे जाके मुझे यहां पे मिला, ठीक है? 1:2 यहां पे मुझे कंप्लीट हुआ। सो आपको वेट करना है। अब जरा देखिए, इस जगह पे अगर कोई ध्यान दे तो यहां पर मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल बना के रखा था, ठीक है? अगर यहां किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ट्रेड अगर नहीं भी लिया होगा, तो आपको हर वक्त ध्यान देना है कि प्राइस देखिए जरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, देख पा रहे हैं? ये हायर लो बनता हुआ जा रहा है, मतलब कि प्राइस में नीचे से बाइंग आ रही है और ऊपर से सेम जगह से रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना? सेम जगह से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे प्राइस ऊपर की तरफ जाए और ये ब्रेकआउट हो, तो कभी मत मिस कीजिए। तो सोचिए कि बस 3 कैंडल में दोस्तों, ये जो 3 कैंडल था ना, इस 3 कैंडल में ही मार्केट ने 300 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट दे दिया।
तो सोचिए क्या प्रीमियम शूट किया होगा। सो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, इस तरह से प्लान करना होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको नहीं मालूम है, ड्रॉ करना नहीं आता है अगर आपको, तो देखिए दोस्तों ट्रेडिंग एक स्किल है और ये स्किल सीखा जा सकता है। अगर आप ये ट्रेडिंग स्किल नहीं सीखेंगे, सिर्फ मार्केट से अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, बट जब तक आप मार्केट से सीखेंगे, मार्केट आप से काफी अच्छा खासा पेमेंट ले लेगा, अच्छा खासा फीस ले लेगा, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही एक्सपेंसिव टीचर है। तो बेटर है आप किसी से भी सीखें, या मुझसे सीखें चाहे किसी से सीखें। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो हमारा 10th 9th बैच जो है 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप हमारे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैं वीक में 2 दिन पढ़ाता हूँ, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। 2.5 महीने का हमारा क्लास होता है, 10 वीक्स हम क्लासेस लेते हैं, जिसमें मैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें कवर करता हूँ। तो आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है हमारा 9th बैच, और वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नाम और नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना है, सीखना है तो, ठीक है दोस्तों। सो ये जो है अब टाइम फ्रेम मेरा जो था 3 मिनट का, इस पे मैंने ट्रेड लिया था, और मेरा यहाँ पे जैसे ट्रेड कंप्लीट हुआ मैंने यहाँ से एग्जिट ले लिया। अब नेक्स्ट जो है, जब मैं ट्रेड ले रहा था तो मैंने देखा, नेक्स्ट मैंने ये ट्रेड लिया था, जरा देख दिखा देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था दोस्तों ये था, ये मैं टेलीग्राम में मैंने पोस्ट किया था, और हर वक्त देखिए, हाँ इस चीज को मैंने पहले पोस्ट किया था। अब हमेशा ध्यान रखिए, हमें क्या लगता है दोस्तों मार्केट में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट में प्राइस अपने आप आपको सिग्नल दे देगा कि मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। तो जरा देखिए, मैंने ये पोस्ट किया था कि मार्केट में एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट बन रहा है ना। सो मैंने ये दिखाया था कि अभी वापस से ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरफ फॉर्मेशन हो रहा है, तो अभी प्राइस इस रेंज के अंदर था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये रेंज ब्रेकआउट होगा तो हमें प्लान करना है बाई की तरफ, और अगर ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि ये देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है दोस्तों, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, मतलब मार्केट रेंज में है, तो जिस तरफ भी ब्रेकआउट दे, ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, हमें प्लान करना है ट्रेड का। तो ये ऊपर ना जाके मार्केट नीचे ब्रेक डाउन दिया, मैंने तुरंत ट्रेड लिया और यहां तक का प्लान किया, ठीक है। सिंपल आपको रखना है ट्रेड को, तो जितना सिंपली आप ट्रेड प्लान करेंगे, ज्यादा इंडिकेटर मूविंग एवरेज मत लगाइए, बस सिंपल चार्ट को देखिए, प्राइस को समझिए। प्राइस को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर ट्रेड लेने में बहुत दिक्कतें आएंगी। सो अभी जरा देखिए, ये मेरा नेक्स्ट ट्रेड था, ये जरा देखिए, ठीक है। वही उसी चार्ट को, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को मैंने 3 मिनट पर मैंने पोस्ट किया, ये वही था, देख पा रहे, समझ पा रहे, ये जो 5 मिनट में था वही चार्ट है, इसी को मैंने 3 मिनट में शिफ्ट किया। तो अब प्राइस मैं देख रहा हूँ बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इस जगह से मैं देख रहा हूँ कि लोअर हाई बनता हुआ आ रहा है, और सेम यहाँ सेम हाई बन गया, सेम हाई बन गया, लोअर लो बनता आ रहा है, यहाँ सेम हाई। उसके बाद जैसे ही ब्रेक डाउन दिया मैंने यहाँ सेल किया, और 1:2 मेरा टारगेट था, मैंने लिया और निकला, ठीक है। सो आज मैंने यही दो ट्रेड लिए थे, तो यही दो ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक था वो मैंने आप लोगों को समझाया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।